सत श्री अकाल जी सारे, मैं हरविंदर कुमार बाबा फरीद आई टी कोर्स वी। अज का अपना विषय टाइप ऑफ डीसी जनरेटर। लास्ट लैक्चर में आप डीसी जनरेटर के बेसिक बारे पढ़िया सी, उसकी ईएमएफ इक्वेशन बारे जानिया सी कि ईएमएफ इक्वेशन की होंगी है, डीसी जनरेटर किस तरह काम करता है। अज आप डीसी जनरेटर के टाइप्स बारे पढ़ा कि डीसी जनरेटर किस्म कि होंगे। डीसी जनरेटर बेसिकली दो तरह का होता है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, और इसकी दूसरी किस्म जो है वो है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। हाँ जी, एक काली किस्म है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, दूसरी किस्म है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड तो आप समझते हैं कि जो डीसी जनरेटर आप किसी भी डीसी सोर्स के नाल एक्साइट करके ऑपरेट कराने, वो अपना सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर होंगे। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर जिस जनरेटर जो कि अपने ही करंट की फ्लक्स के नाल ऑपरेट होंगे उसको आप कहते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अगे सेल्फ एक्साइटेड अगे तीन तरह होंगे, वो बारे आप पढ़ते हैं किस्म होंगे। एक शंट टाइप डीसी जनरेटर, दूसरी किस्म है सीरीज टाइप डीसी जनरेटर, चौथी किस्म है कंपाउंड टाइप डीसी जनरेटर। अगे जो कंपाउंड टाइप डीसी जनरेटर है अगे दो भागा में बंटा गया, फर्स्ट टाइप ऑफ कम्युलेटिव टाइप डीसी जनरेटर, एंड जो दूसरी टाइप होगी डिफरेंशियल
जो डायग्राम बनाई है ये डायग्राम अपने सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की आप गल करी सी कि जो जनरेटर आप उसकी फील्ड वाइंडिंग किसी भी डीसी सोर्स एक्साइट करके ऑपरेट कराने उस जनरेटर आप कहने सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर आ जनरेटर की जो वाइंडिंग है इसको आप कहने फील्ड वाइंडिंग जो इसकी कुछ भी कुछ की रजिस्टेंस होगी उन्होंने आप कहोंगे फील्ड रजिस्टेंस जो उस करंट फ्लो करेगा उसको कहोंगे आप फील्ड करंट जो ये साइंस देख रहे हो उसको आप कहने डीसी सोर्स डीसी सोर्स ठीक है जी ता जो जनरेटर है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है उसको ऑपरेट कराने अपन किसी भी डीसी सोर्स की लोड पैंदी है जो बैटरी ला लो या डीसी शंट जनरेटर ला लो ठीक है जी ता इस जनरेटर नु आपा देखो इस जनरेटर विच जो आर्मेचर करंट है वो लोड करंट दे की रहंदा है बराबर रहंदा है कितों पता लगे अपन नु यह एक क्लोज सर्किट है यह एक की है क्लोज सर्किट है इस विच आर्मेचर जो आर्मेचर करंट इत्थे जनरेट होएगा वही लोड दे जाएगा अपन नु पता लग गया जो इत्थे जनरेटर ईएमएफ दे कारण जो आर्मेचर करंट जनरेट होएगा वही लोड तक जाएगा इस करके आर्मेचर करंट किहदे बराबर आ गया लोड करंट दे बराबर आ गया तो आप जनरेटर ईएमएफ कढ़न दा फार्मूला देख लैंदे आ ईजी कढ़न दा फार्मूला अपन नु पता ही है जो आर्मेचर करंट है बराबर किहदे आ लोड करंट दे जो जनरेटर ईएमएफ कढ़न दा फार्मूला वी टी प्लस आई ए इंटू आर ए जनरेटर ईएमएफ वी टी टर्मिनल वोल्टेज जो कि इतने टर्मिनल से होगी आर्मेचर करंट जो जनरेटर जो जनरेट होगा आर्मेचर रेजिस्टेंस जो उस आर्मेचर की जो भी आर्मेचर में जो भी वाइंडिंग होगी उसका रेजिस्टेंस होगी वो होगी आर्मेचर की रेजिस्टेंस ठीक है जी जैसे इस तरह लिख सकते हो टर्मिनल वोल्टेज ईजी माइनस आई ए ठीक है जी इस तरह भी देख सकते हैं जो आउटपुट पावर आएगी इसकी जो आउटपुट पावर आएगी बेसिकली पावर का फार्मूला होता है वी आई जो भी इतने वोल्टेज आ रही है पावर की आउटपुट पावर की टर्मिनल वोल्टेज इंटू लोड करंट जो कि आप मिलेगा लोड करंट जो इतने टर्मिनल वोल्टेज होगी ठीक है जी वो की होगी आउटपुट पावर तो जनरेटर पावर जो इसमें जनरेट की है जनरेट कितने होती है पावर आर्मेचर को जनरेटर पावर कितने बराबर है ईजी इनटू आईए ठीक है जी आप पढ़िया कि जो एक क्लोज सर्किट है आर्मेचर करंट लोड करंट एक दूसरे के बराबर ने उस तो बाद जनरेटर ईएमएफ कटन का फार्मूला टर्मिनल वोल्टेज प्लस आईए इनटू आर ए आउटपुट पावर अपन पता लग गया है जो अपनी जनरेटर पावर है वो आर है जी उस तो बाद आप जिथे अपन लो वोल्टेज एंड हाई करंट की लोड होवे उत्थे आपां इसकी वरतों करते हैं दूसरी इसकी वरतों की जाती है लैब लैबोरेटरी या लैब इसकी वरतों की जाती है तीसरी इसकी वरतों की जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है किसी भी धातु की परत चढ़ा जो कि डीसी सप्लाई में की जाती है उसी की वरतों की जाती है ठीक है जी तो ये जो भी आप गल कर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर बारे इस तो बाद गल करते हैं आप सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर बारे तो इसको नोट कर लो जो भी कुछ स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो जी अगली टाइप अपनी सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर उसकी डायग्राम आप समझेंगे
हाँ जी, ताहे जो आप डायग्राम बनाई है ए एस सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर दी। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर विच जो आप डीसी है वो अपने की जनरेटर ईएमएफ हां वाले आई है का अपना वितरण आर्मेचर रेजिस्टेंस ठीक है जी, आई एल अपना लोड करंट ठीक है, तो अपना जो आई एफ और आई एस एच है यह है अपना फील्ड करंट, जो फील्ड वाइंडिंग वाला जाना आर एस एच अपना और आर एफ फील्ड रेजिस्टेंस। हाँ जी, तो जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर ने वो अपने ही करंट की फ्लक्स के नाल एटोमैटिकली ऑपरेट करते हैं, सेल्फ एक्साइटेड होंगे ने जिसनों आप कहने सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। इन्हों ऑपरेट होने के लिए इन्हों कुछ के रेजोनेबल मैगनेटिज्म का होना बहुत जरूरी है, रेजोनेबल मैगनेटिज्म कुछ के मात्रा में ज इन्हों पहला तो ही पिया होता जिस करके जनरेटर सेल्फ एक्साइटेड होकर जनरेट होंगे ने ऑपरेट करते हैं ठीक है जी। ये फार्मूले बारे आप समझते हैं इन्होंने वर्तों कितने होंगी है, जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग होंगी है वो बहुत ही ज्यादा पतली रखी जाती है, जिसकी टर्न वध होंगे तो इसकी जिस टर्न वादने का इसकी रेजिस्टेंस की होगी बहुत ज्यादा हाई होगी, रिएक्टेंस घट होगी ठीक है जी। तो इसकी वरतों आप बैटरी चार्जिंग में करते हैं, इसकी जो यूजेस ने बैटरी चार्जिंग बैटरी चार्जिंग में सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर की वरतों की जाती है। आओ हम आप फार्मूले बारे समझते हैं, इस विच दो सर्कट ने, एक सर्कट आ रहा है एक सर्कट आ रहा ठीक है जी, दो सर्कट ने पर जो मेन इन्हों करंट है वह है आर्मेचर का करंट, जो आर्मेचर का करंट है इधरों जाता है लोड करंट, कुछ करंट लोड करंट करने चलाता कुछ करंट फील्ड करंट करने चलाता, दोनों करंट दो धारा या दो करंट को जोड़ के अपना बनता आर्मेचर का फील्ड करंट प्लस लोड का करंट ठीक है जी। तो ईएमएफ को जनरेट करने का फार्मूला सेम है इस टर्मिनल वोल्टेज प्लस आईए दे आर ए, पर इस विच आपां जो कि फील्ड का करंट कढ़ने का फार्मूला वो आपां देख लैने हां, टर्मिनल वोल्टेज मतलब फील्ड रेजिस्टेंस, ये फील्ड करंट कढ़ने का फार्मूला, तो इस फार्मूले थ्रू आपां आर्मेचर करंट जनरेटेड ईएमएफ ते फील्ड का करंट पता कर सकते हैं, तो आउटपुट पावर सेम ही है। VD into load current generated power EZ into armature ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੈਲਫ ਐਕਸਾਈਟਡ ਜਨਰੇਟਰ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਐਕਸਾਈਟਡ ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਬਾਰੇ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈਲਫ